अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, अभी सो के उठाऊँ, ठीक है। दोपहर बहुत ज़्यादा काम किए हैं, मतलब सुबह से ही काम कर रहे थे। सबसे पहले वाटर पम्प जो है ना, उसका थोड़ा मसला था, मैंने वो खुद ही खोला है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में वाटर पम्प खोला, उसकी फ़िटिंग की, उसे जो मसला था उसका थोड़ा वो हल किया। मसला उसे बस छोटा सा ही था, लेकिन मेरा काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद फिर जो हमने छत भरी हुई है एक वाशरूम की, उसको पानी लगाता रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे सो गया, फिर अभी उठा हूँ। अभी पानी शानी दे के आया हूँ मिस्त्री भाइयों को, कूलर में डाल के बर्फ़ डाल के दे के आया हूँ। मिस्त्री जो शटिंग वाले भाई हैं ना, वो लगे हुए हैं, तो आज उनका काम फाइनल हो जाएगा। चादरें वगैरह ऊपर जो डालनी है उन्होंने डाल रहे हैं। मैं आपको शाम टाइम इंशाल्लाह सारा सीन दिखाऊंगा, और अगर कोई कमी पेशी हुई तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और आपने मुझे ज़रूर गाइड करते रहना कि ये चीज़ जो है ना ठीक है, ये चीज़ नहीं ठीक, ताकि बंदा वो बेहतर टाइम से कर सके। तो अभी देख ले, पसीना आने लग गया जी। 2 मिनट बैठा हूँ कमरे में, पसीना आ रहा है अभी। तो चलें जी, चलते हैं बाहर और अम्मी जी को देखते हैं क्या कर रही हैं अम्मी जी। आज मेरे लिए बनी है कढ़ी, ठीक है। मैं जब कढ़ी पक रही होती है ना, मैं प्लेट में डाल के थोड़ी सी पहले इसी तरह पी लेता हूँ, या खा लेता हूँ कह ले, या पी लेता हूँ कह ले। जिंदाबाद भाई। हाँ जी, मेरे घर की छत देखनी है। चलो आओ, मैं ऊपर लेके जाना अपनी बेटी नो आप। अच्छा जी, मोई साहब 2 दिन हो गए आ, जिद कर रहे हैं कि चाचू जी असी जड़ा है ना, तो मैं थोड़े घर दी ना छत ते जाना उपर, तुसी जाते हो मैं भी देखन जाना। मैं हूँ उस सीढ़ी तो लैके जाना उपर। अच्छा जी, सारा काम फाइनल हो चुकिया वा शटरिंग वाला। सिर्फ आज इतना काम है, शटरिंग वाले भैया ने आना वा, तो सिर्फ कुछ चादर रहनी उस साइड पर डालने वाली। उन्होंने तो 2-2.5 घंटे का काम है सारा, वो करके चल जाना। सरी वाले ने भी अज आ जाना भाई ने, तो सरिए वाला भाई कह रहा सी कि मेरा सारा 1.5 दिन का काम आ, तो मैं भी जरा है ना ख़त्म कर देना वा जल्दी जल्दी। मैं उन्होंने कहा मैं कह यार इदो पहले पहले जरा है ना साडा काम फाइनल करवा दियो। अच्छा जी, ये वाला जो शेड है ना, इतने सारे नवे फटे लगाए हुए उन्होंने भैया ने, आ देखो सारे नवे लैके आए थे। इतने फिर न्यू माल आया से उन्होंने, बाकी नीचे जड़ा है ना चादर, इन्ह 2 मकानों की सेध में जोड़ा है ना, सारिया चादर डल चुकी वा, ठीक है ना। बाकी इन्हें कोई सैटिंग सुटिंग करनी है उपर, टेप वगैरह मारनी, काटन टेप जी होंगी ना वो भी मारनी है इतने, ताकि नीचे ना आवे। चलो मेरा पुत्र, अब चलते हैं ऊपर, ऊपर जाके आपको सारा दिखाते हैं सीन फिर। सब अब डर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने नहीं चढ़ना ऊपर, मैं चलता हूँ ऊपर, आपको सारा सीन दिखाता हूँ ऊपर से जाके। कोई कमी पेशी हुई तो आप लोग बता दीजिएगा। देखने वाली हमारी YouTube फैमिली, ये रहा जी। इधर चादरें सारी डाल गए हैं भाई लोग, और उसके बाद ये वाली चीज़ जो उठी हुई है नज़र आ रही है ना आप लोगों को, ये वाली, ये सारी सेट करेंगे वो लोग, ठीक है। और हमें क्लियर चाहिए ये चीज़ें, बिल्कुल वो क्लियर देंगे हमें।
जी, इस साइड पे भी कर्टन टेप लगेगी और इस साइड पे भी लगेगी, ताकि जब माल डालेंगे ना बजरी सीमेंट मिक्स करके, तो वो नीचे ना जाए। तो ये वाली चीज़ें हैं जी, इस साइड पे सारा लग चुका है, शेड इधर भी निकाला हुआ है, उधर भी निकाल दिया सारा। ये सारी चादरें वगैरह वो पड़ी हैं ऊपर, बस उन्होंने रख रख के जो है ना वो कील लगा देने और ऊपर से सारा काम हो जाएगा। अभी देखिए इधर बंदा छत पे खड़ा हो ना, तो सारा किस तरह माहौल नज़र आता है सारा ज़बरदस्त। कुछ बहन भाई कह रहे थे कि भाई आप लोगों के घर के आसपास ना कोई घर नहीं है, तो असल में ये बात है कि ये वाला जो रकबा है ना, ये एक मरबा पूरा पड़ा है, जो रेत वाला टिब्बा आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये जी समीने सरकारी रकबा ही है। इस वजह से जो है ना हमारे घर के करीब कोई घर नहीं है, क्योंकि ये सरकारी रकबा, इधर कोई फिर रिहाइश नहीं है। वो सामने है रिहाइश, इधर भी है सामने रिहाइश है, लेकिन अपने अपने रकबों में सब बैठे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे, घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, ख़ासतौर पर अम्मी जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अम्मी जी कहती हैं कि बस जल्दी जल्दी लेंटर डल जाए और फिर टेंशन जो होगी ना वो ख़त्म होगी। टेंशन फिर इस तरह ख़त्म हो जाएगी कि बाद में जो काम होते हैं ना वो बंदा आराम से कर सकता है, क्योंकि ये काम जो होते हैं ना लेंटर वाला, ये इस तरह का काम है कि इसमें बंदा गफलत नहीं कर सकता, एक दिन की भी एक टाइम की भी, क्योंकि जब आपके सारा सामान पूरा होगा तो ही ये कंप्लीट होगा। अगर आपने एक भी गलती कर दी या एक भी कुछ इधर उधर काम हो गया, तो सारा कि एक राय पे पानी फिर जाता है। तो इस वजह से जो है ना अम्मी जी और मैं भी जो है ना चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ये सारा काम हो जाए, ये सारी टेंशन जो है ना ये ख़त्म हो, और अल्लाह ताला बेहतर करेगा जी सारे काम। बस दुआ कर सकते हैं, दुआ करते हैं हम लोग, आप लोग भी लास्ट में दुआ कीजिएगा मेरे घर के लिए कि अल्लाह ताला खैर वफ़ियत के साथ जो है ना वो लेंटर का काम सारा पूरा हो जाए। ਸੀਆਂ ਮੋਇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਛੱਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਛੱਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਦੀ, ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੀ ਛੱਤ ਪਈ ਆ। ਆ ਜਾਣਗੇ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਲੈਵਲ ਸ਼ੇਵਲ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ नहीं हजे तक जो तक तैयार नहीं, जिन्ना मर्जी समान रखा जा सकता हजे। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਮਰਦੀ ਮੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਅਸਲ ਸਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਜਿੱਦਣ ਮਿਸਤਰੀ ਭਾਈ ਚਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਕ ਚ ਮਿਲ ਜੇ ਮੁੰਜੇ ਬਾਦੋਂ ਘੱਟ ਸਾਰ ਉੱਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚੁੱਕੀ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕੋ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਡਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾੜ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਕਰੂ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਲੱਦਾ ਪਲਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂ ਨਾ, ਮੰਜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਲ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਨੁੱਕਰ ਸੁੱਕੜ ਲਈ। ਤੇ ਆਹ ਕਮਰਾ ਗੱਡੀ ਆ ਦੇਖ ਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਜੇ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ, ਅਮੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾਟਕ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਘਰ। ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਘਰ ਕੁਆੜ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਕੇ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਮੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਟੂਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਪ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਿਆ, ਲੱਭ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਥੱਲਿਓ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ,
ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਪਲਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਮੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਛੱਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਹੀ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਮੋਈ ਦਾ ਮਈ ਨੰਗਦਾ ਨੰਗਦਾ ਇਹ ਐ ਕਰਦਾ ਨੰਗਦਾ ਨੰਗਦਾ ਨੂੰ ਐ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ